दोस्तों, आज हम इस ड्राइवर सर्किट को रिपेयर करेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या फॉल्ट हमारा आता है। सबसे पहले इसमें कुछ कंपोनेंट्स मिसिंग हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, यहाँ पर एक हमारे कॉइल्स लगे थे, यहाँ पर देखिए L1 करके दिया गया है। तो L1 का मतलब हमारा इंडक्टर कॉइल होता है, तो यहाँ पर एक कॉइल लगा रहता है तो वो भी नहीं है। यहाँ पर देखिए न्यूट्रल और लाइव, तो यहाँ पर जो फ्यूज रेजिस्टेंस लगे थे वो भी नहीं है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बताता हूँ कि यहाँ पर दो पार्ट आपको लगाना है। आप दो पार्ट लगा लीजिए पहले, इसके बाद आप टेस्ट करिए। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले दोस्तों आपको दिखाता हूँ कि अब हम इसमें कैसा कॉइल दिया जाता है। जब भी दोस्तों आप ड्राइवर सर्किट देखेंगे, कोई सा भी दोस्तों ड्राइवर सर्किट हो, 9 वाट 7 वाट जो भी हो दोस्तों, उसमें इस प्रकार का एक हमारा ड्रम कॉइल लगा रहता है। तो दोस्तों ये मिसिंग है, इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं नहीं है। और यहाँ पर L1, यहाँ पर भी देखिए L1 करके दिया गया है। तो सबसे पहले दोस्तों हम एक ड्राइवर सर्किट से निकाल करके यहाँ पर लगाते हैं। और यहाँ पर हम फ्यूज रेजिस्टेंस की बात करें तो कितने ओम्स का हमारा लगेगा, तो यहाँ पर आप दो लगा सकते हैं या एक भी लगा सकते हैं, आपका मर्जी दोस्तों, लेकिन एक आप लगाइएगा। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले दोस्तों आपको दिखाता हूँ। देखिए, इस प्रकार से मैंने ड्राइवर सर्किट से कॉइल को निकाल लिया हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसके बाद फ्यूज रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पर मैंने दो रेजिस्टेंस ले लिया हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और दोस्तों ये हमारा 5 ओम में है और ये 1/2 वाट में है। देखिए, 1/2 वाट का रेजिस्टेंस है और 5 ओम में है। 1/2 वाट का इसलिए ले रहे हैं दोस्तों क्योंकि दोस्तों अगर ज़्यादा हमारा कहीं भी शॉर्ट सर्किट होता है ड्राइवर सर्किट में, तो ये हमारा जल जाएगा और हमारा सर्किट सेफ बच जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है कि ड्राइवर सर्किट है, इसमें आपको इस प्रकार से देखिए यहाँ पर मिसिंग जो कंपोनेंट है, सबसे पहले इसको मैं यहाँ पर बैठा लेता हूँ अच्छे से। तो यहाँ पर देखिए, इस प्रकार से लगने के बाद यहाँ पर मैं इसको सोल्डिंग कर देता हूँ ताकि दोस्तों हमारा मजबूती रहे। तो यहाँ पर देखिए, इस प्रकार से दोनों पॉइंट को अच्छे से सोल्डरिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हो गया। और जो हमारा फ्यूज रेजिस्टेंस है ये कहाँ पर लगेगा, तो देखिए हमारा जो ब्रिज रेक्टिफायर होता है, देखिए ये वो एसी वाला भाग है, तो ये वाला पॉइंट आप देख सकते हैं यहाँ पर आया है, तो एक पॉइंट यहाँ पर लगा देंगे। और ये वाला पॉइंट देखिए इंडक्टर कॉइल्स होते हुए यहाँ पर, तो इन दो पॉइंट पर आपको लगाना है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इन दोनों रेजिस्टेंस को यहाँ पर सोल्डिंग कर लूँगा। देखिए, एक पॉइंट हमारा यहाँ पर हो जाएगा, देखिए इस प्रकार से एक पॉइंट लग गया जो हमारा एक रेजिस्टेंस है। और जो दूसरा वाला था इसको भी मैं यहाँ पर सोल्डिंग कर लूँगा। देखिए, दोनों हमारा रेजिस्टेंस अच्छे से सोल्डिंग हो गया। अब एक बार हम इसको एसी वोल्ट देकर के चेक कर लेते हैं दोस्तों कि हमारा काम कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं सबसे पहले यहाँ पर कनेक्ट करता हूँ। देखिए, यहाँ पर मैं जुगाड़ से बनाया हूँ, तो यहाँ पर देखिए एक पॉइंट कनेक्ट कर दिया और दूसरे पॉइंट कनेक्ट कर दिया। अब मल्टीमीटर लूँगा दोस्तों, तो दोस्तों सबसे पहले वोल्टेज चेक करूँगा, तभी हम पीसीबी को यहाँ पर कनेक्ट करूँगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं 200 के रेंज में सेट कर लेता हूँ, डीसी 200 के रेंज में। और जो इसका प्लग है दोस्तों, इसको मैं इंसर्ट करता हूँ। देखिए, इंसर्ट कर दिया। सबसे पहले ब्रिज रेक्टिफायर के जो हमारा डीसी आउटपुट करता है यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर शायद दोस्तों ज़्यादा वोल्टेज आ रहा है, जिसकी वजह से मीटर हमारा नहीं शो कर रहा है। यहाँ पर देखिए 250 करीब में आ रहा है। अब इसके बाद हमारा जो मेन कैपेसिटर लगा है यहाँ पर, इस पर हम वोल्टेज चेक करेंगे। तो यहाँ पर एक पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ पर है, दोनों पॉइंट पर देखेंगे हमारा वोल्टेज कितना आ रहा है। देखिए, हमारे पर वोल्टेज शायद नहीं बन पा रहा है, देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर तो बन रहा है, लेकिन हमारा यहाँ पर वोल्टेज देखिए कुछ भी नहीं बन रहा है। तो कहीं से ना कहीं से दोस्तों हमारा ये फॉल्ट है। अब फॉल्ट कहाँ से, इसको मैं फाइंड करूँगा। तो यहाँ पर एक बार और चेक कर लेते हैं, देखिए नहीं बता रहा है, तो यहाँ पर भी नहीं आ रहा है। यानी यहाँ तक तो हमारा वोल्टेज सही है, लेकिन इसके बाद नहीं आ रहा है। यहाँ पर हमारा सही है, जो फॉल्ट है दोस्तों वो हमारा मेन आईसी से। देखिए, हर जगह आप चेक करके दिखा दे रहे हैं, देखिए यहाँ पर भी 200 आ रहा है, यहाँ पर भी, यहाँ पर छोटे वाले कैपेसिटर, बड़े वाले कैपेसिटर पर, यानी हर पॉइंट पर हमारा 200 200, देखिए 230 200। तो इसका मतलब जो हमारा आईसी है दोस्तों ये ख़राब हो गया है, मेन आईसी जो दोस्तों होता है। तो अब हम क्या करेंगे इसको कि दोस्तों इसको बाईपास करना पड़ेगा। देखिए, तो रिपेयर तो नहीं हो सकता है क्योंकि दोस्तों आईसी तो नहीं लगा सकते हैं,
लेकिन इसको दोस्तों बाईपास करके हम चला सकते हैं। कैसे चला सकते हैं वो भी दोस्तों आपको बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है कि यहाँ पर देखिए मैं आपको जो पॉइंट्स बताता हूँ बाईपास करने का, वो आप समझ लीजिए। सबसे पहले इसके दोस्तों प्लस माइनस को काटना है। देखिए यहाँ पर माइनस का तो ऑलरेडी कटा ही है, आप माइनस को नहीं काटेंगे तो फिर भी देखिए यहाँ पर कटा है। और इसके बाद यहाँ से एक पॉइंट इसको ट्रैक को यहाँ पर कट कर देना है, और इसके बाद हमारा यहाँ से इस पॉइंट को कट कर देना है। देखिए मैं यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों इस ट्रैक को ख़त्म कर देता हूँ, इसके बाद उस पॉइंट को भी कट करूँगा। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने ट्रैक को अच्छे से काट दिया हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं। एक बार कंफर्म के लिए दोस्तों मैं मल्टीमीटर से चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर मल्टीमीटर को बजर के रेंज में सेट करता हूँ, और यहाँ पर एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूँ कि ये पॉइंट शॉर्ट नहीं है। तो यहाँ पर देखिए पॉइंट हमारा शॉर्ट नहीं बता रहा है, और यहाँ पर इस पॉइंट को भी चेक कर लेते हैं। देखिए ये वाला पॉइंट भी हमारा शॉर्ट नहीं बता रहा है, तो इसका मतलब ट्रैक कट गया। आप दोस्तों आपको क्या करना है, एक पीएफ कैपेसिटर लेना है। देखिए इस प्रकार से आपको पीएफ कैपेसिटर लेना है, और दोस्तों पीएफ कैपेसिटर का नंबर दोस्तों मैं स्क्रीन पर दे दूंगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर 155 J और 450 वोल्ट का कैपेसिटर है। इसको कहाँ पर लगाना है वो आपको बताता हूँ। देखिए जो हमारा फ्यूज रेजिस्टेंस है, आप फ्यूज रेजिस्टेंस पर लगा सकते हैं। यहाँ पर इस वाले पॉइंट को इस प्रकार से आप इसको कनेक्ट कर देते हैं। इसे मैं आपको कनेक्ट भी करके दोस्तों आपको लाइव प्रूफ दिखाता हूँ, ताकि दोस्तों आप अच्छे से काम कर सकें। देखिए यहाँ पर मैं इसको भी कनेक्ट कर देता हूँ। देखिए इस प्रकार से कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर हमारा इस फ्यूज रेजिस्टेंस है, देखिए यहाँ पर हमारा पीएफ कैपेसिटर से फ्यूज रेजिस्टेंस पर, फ्यूज रेजिस्टेंस से हमारा जो ब्रिज रेक्टिफायर है ब्रिज रेक्टिफायर पर। अब आपको क्या करना है, यहाँ से तो हमारा कनेक्शन ख़त्म हो गया। अब आपको दोस्तों सिंपल सा क्या करना है कि यहाँ से एक वायर उठाना है। देखिए यहाँ से माइनस वाले पॉइंट से एक वायर उठाना है यहाँ पर, जो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर का माइनस है, और इसको सीधे दोस्तों आपको कैपेसिटर के माइनस पर सोल्डरिंग करना है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए जो कैपेसिटर का माइनस पॉइंट है, देखिए यहाँ पर माइनस का सिंबल बना है, तो आपको यहाँ पर माइनस पर सोल्डरिंग कर देना है। और एक वायर और लेता हूँ, और यहाँ पर मैं प्लस पॉइंट करता हूँ। देखिए यहाँ से प्लस पॉइंट किया, और इसको मैं ब्रिज रेक्टिफायर के प्लस पर मिला दूँगा। देखिए इस प्रकार से सोल्डिंग कर दिया। अब इसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं कि यहाँ पर हमारा वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले प्लग को इंसर्ट करता हूँ एसी वोल्ट में। मल्टीमीटर को 1000 पर डीसी पर सेट किया है। सबसे पहले यहाँ पर मैं कैपेसिटर पर चेक करूँगा, इसके बाद एमसीपीसीबी लगाऊंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं प्लस हमारा इधर का है और माइनस इधर का। देखिए हमारा 121 20, तो इतना परफेक्ट है दोस्तों। अब एक बार हम चेक कर लेते हैं कि हमारा काम कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो एमसीपीसीबी को लगाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों इसको मैं डिस्चार्ज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर डिस्चार्ज कर लिया, और यहाँ पर देखिए इसका जो एमसीपीसीबी का प्लस पॉइंट है प्लस पे, और जो माइनस पॉइंट है माइनस पे, यहाँ पर मैं कनेक्ट कर दूंगा। देखिए प्लस पे प्लस, और देखिए इधर हमारा माइनस पॉइंट है, सॉरी दोस्तों इधर हमारा प्लस पॉइंट है। तो इधर हम प्लस कनेक्ट कर दिए, और जो इसका माइनस पॉइंट है हम माइनस पे कनेक्ट कर देते हैं। देखिए यहाँ पर आपको अच्छे से सोल्डरिंग कर देना है। सोल्डरिंग ढीला रहेगा तो दोस्तों निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने अच्छे से कनेक्ट कर दिया, एक बार आपको दिखाता हूँ। देखिए प्लस पे प्लस, माइनस पे माइनस। इसको एक बार दोस्तों हम टेस्ट करके आपको चेक करके दिखाता हूँ कि ये हमारा वर्क करता है कि नहीं। तो यहाँ पर मैं इसको कनेक्ट करता हूँ, और एमसीपीसीबी देखिए हमारा बढ़िया तरीके से ग्लो कर रहा है। यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको डीसी वोल्टेज भी चेक करके दिखाता हूँ कि हमारा वोल्टेज कितना आ रहा है लोड पर। तो यहाँ पर देखिए 56 57, ठीक है दोस्तों। और एमसीपीसीबी हमारा अच्छे से ग्लो कर रहा है। एक बार लाइट बंद करके आपको दिखाता हूँ। देखिए हमारा जो रोशनी है वो परफेक्ट आ रहा है। तो इस प्रकार से दोस्तों अगर आपका ड्राइवर सर्किट अगर सही नहीं होता है, तो आप इसको बाईपास करके दोस्तों आप चला सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को हमारे लाइक कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट। जय हिंद, वंदे मातरम।